नमस्कार दोस्तों, कुछ और जानकारियों के साथ मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि सर्दियों में कोयल पता नहीं कहां चली जाती है, जबकि ज्यादातर कोयल दक्षिण भारत में या उन इलाकों में चली जाती है जहां पर सर्दियां कम होती है। लेकिन उन्हीं कुछ अपवाद भी होते हैं। कुछ कोयल हमारे यहाँ उत्तर भारत में भी रह जाती है। शायद वे यहीं पर रहना उचित मानती हैं और सोचती है कि लंबा सफर तय करने से बेहतर है हम यहीं पर रहेंगे और आराम से जैसे भी होगा समय गुजार लेंगे। फर्क इतना आ जाता है कि वे बोलती नहीं है। जैसे जब गर्मियों के दिन होते हैं, मार्च शुरू हो जाता है, तो कोयल की आवाज हम सुनते रहते हैं, कू कू की आवाज सुनाई देती रहती है। तो ये जब सर्दियां आती है, जो कोयल हमारे यहाँ पर रह जाती है उत्तर भारत में, वे कू कू की आवाज नहीं लगाती और ना बोलती। वे चुपचाप रहती है, समय व्यतीत करती है और इधर उधर से जैसे भी अपना खाने पीने का बंदोबस्त कर लेती है और ज्यादा इधर उधर भागना दौड़ना वे बंद कर देती है। सर्दियों में ज्यादातर एक जगह पर बैठ जाती है, आराम से समय एकांत में गुजारती है और जब ज्यादा घूमती फिरती नहीं, इधर उधर भागी नहीं फिरती है तो भूख भी कम लगती है। इसलिए कुदरत ने हर एक जीव को अलग अलग गुण दिए हैं। दोस्तों, हर एक जीव अपना अलग अलग महत्व रखता है। प्रकृति ने हमें जो भी जीव दिए वे काबिले तारीफ दिए हैं। वातावरण के साथ में एक इस तरह का संतुलन स्थापित ये जीव करते हैं जो काबिले तारीफ है। ज्यादातर कोयल चली जाती है और कुछ कोयल गिनी चुनी रह जाती है। वे बोलती नहीं, कई बार देखने को मिल जाती है। वे ज्यादातर चुपचाप रहती है। धूप निकलती है तो पेड़ों के ऊपर चोटियों पर बैठ करके धूप सेकने का काम करती है और इनका जो बैठने का भी तरीका होता है वो ऐसी जगह पर ये बैठती है जाकर के जहां पर आम इंसान की नजरें धोखा खा जाती है और ये आराम से वहां पर बैठ करके धूप का आनंद ले लेती है। जिस प्रकार से ये मेरे हाथ पर बैठी हुई है, हालांकि ये खूब उड़ती है जहाज की तरह, जब ये पंख फैलाती हैं और हवा को चीरती हुई उड़ती है तो इनकी एक अलग ही छवि होती है। मैंने इनको बचपन से पाला है तो उस वजह से ये मुझसे नहीं डरती है। जरा सी बात पर कोयल उखड़ जाती है। दोस्तों, और जानकारियों के साथ मिलूंगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।